हाय एवरीवन, हाय। तो वेलकम बैक। सो एकदम आज हम निकले हैं हाइकिंग पे। हरे हो रहा, देखो कितना बढ़िया दिख रहा पीछे है हमारा ट्यूज फॉल। वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड टू सी इट, क्योंकि पानी खत्म हो गया ऑलमोस्ट। लास्ट टाइम हम आए थे इस टाइम पे तो अच्छा खासा पानी था। इसमें अभी आज कुछ भी नहीं है, इट्स बट हम लोग फिलहाल जा रहे हैं डंडस पीक पे यस हाइक करने के फाइनली लिए, जो कि ऑलमोस्ट आधे घंटे 45 मिनट की हाइक है। 1 घंटे से ज्यादा लगेगा, मेरे को पूरा यकीन है। तो हम तो शुरू करते लेट्स गो। हैं। ओके तो हम पहुंच गए हैं स्पेंसर गॉर्ज। इन 300 मीटर्स यू आर अराइविंग योर डेस्टिनेशन। अब फटाफट से पहले हम पार्किंग ढूंढते हैं और लेट्स सी। हाँ जी, तो हम लोग जा रहे हैं डंडास फ्रॉम ट्यूज फॉल। तो हम लोग अभी यहाँ पर हैं, वहाँ से स्टेयर्स स्टार्ट होंगी और हम लोग यहाँ से होते हुए यहाँ जाएंगे डंडास, और यहाँ से होते हुए वापस आएंगे इधर। और यहाँ पर है ट्यूज फॉल सामने, जो हमारी एक पुरानी वीडियो में है, जिसका लिंक ऊपर आ रहा होगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेट्स गो। ओके, तो यहाँ से हम लोग हाइक स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ भाई, बहुत देर से चल रहे हैं, कितने पहुँच गए अच्छा हैं? पहुंचेंगे पहुंचेंगे, हमें कुछ नहीं पता, हम ऐसे ही आ गए हैं उठ के सीधा। नहीं, हमें पता है भाई, हम डंडा स्पीक जा रहे हैं, वो पता है बस। और मैं, इतने अरे पढ़ा है किलोमीटर मैंने, की है क्या है, मुझे तो नहीं देखो पता। मुझे इतना पता है कि फॉल्स में आने वाला बहुत अच्छा है ये, वैसे हर सीजन में। आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है, वैसे कहीं भी 30 मिनट से लेकर के 45 मिनट से 1 घंटा लगता है पहुंचने में। और ऊपर जाके क्या अमेजिंग व्यू है, कितना अमेजिंग है। I've seen the photographs of pictures, तो बहुत अच्छी हैं। हाँ। We are coming here for the first time. तो चलो देखते हैं फिर आगे। Let's see. तो भी चल रहे हैं। एक बढ़िया छोटा सा ब्रिज आया है यहाँ पर। मौसम कैसा है रेट्स? बहुत अच्छा है। सही है ना? बिल्कुल गर्म नहीं है। जो हम नीचे से आ रहे थे तो मुझे तो ठंड भी लग रही थी हल्की सी, तू तो खैर अलग ही है। बट अभी ठीक है। बट देखो, जो भी यहाँ पर आ रहा है, ऐसे काम मत किया करो यार। ब्रायन एंड सैरा ऐसा लिखा है। तो भाई आगे से दिख रहा है कि थोड़ी चढ़ाई स्टार्ट हो रही है। रेट्स, हाँ, आर यू रेडी? आई एम गेटिंग रेडी। ओके लेट्स गो। तो जी, चढ़ाई से पहले हमको मिल गया एक लुकआउट पॉइंट। यहाँ पर बढ़िया व्यू है, ये देखिए एकदम नज़ारा क्या बढ़िया है, एकदम देहरादून के मैगी पॉइंट की याद आ गई। यहाँ से वो सामने रहा DIT और इतने सारे मोर पंख। तो चलो भाई, चलिए चढ़ाई शुरू करिए। ये नहीं होना चाहिए, बस चढ़ाई नहीं होनी चाहिए, बस सीधे सीधे होना चाहिए रास्ता। तो कितना सही है, जितना भी है जरा सा है, देख 2 मिनट 2 सेकंड का। ओहो, रेड्स तो बहुत थक गई है। हाँ यार, मुझे लग रहा है कोई अपनी ATV लेके आया है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि टायर ट्रैक्स बने हैं। बहुत है बेटा चढ़ाई, तू कह रहा है कुछ नहीं है। तो पीक पे भी जाना है बेटा। ओफो, ले रेट सब चढ़ाई के बाद। यार ये तो बहुत ज्यादा रिस्की। दौड़ जा इस पे, दौड़ जा। नहीं, दौड़ जा। हाँ, क्या करी ये चढ़ाई और एकदम से नीचे आने का ना। कहाँ जा रही है? अरे अरे कहाँ जा रही है? ये देखो कैसे भाग रही है। हाँ भाग रही है। अरे वो डेंजरस है, एकदम से चढ़ जाओ, एकदम से उतर जाओ। हाँ, पैर फिसल रहा है उसमें मेरा। तो ये तो आदत डालनी है चलने की। चलने की बात नहीं है यार, ये जूते तो मेरे अच्छे वाले हैं, फिर ये बज रही है इसमें ना। हाँ, तो पैर फिसल रहा है। कोई नहीं, बस पहुंचने वाले हैं अब। इट सेज फ्रेजाइल इकोलॉजी, स्टीप क्लिफ्स, लूज रॉक्स। मजे लेते हुए चलो, बोल रहे ग्रीनरी के। और ये देखो चढ़ाई आई। तो रेट्स क्या हो गया यार, मैं थक गई हूँ। हैं? थक गई हूँ मैं अभी तो, पगली हम आधा ही आए हैं। हाँ आई नो। वाह क्या एक्सप्रेशन है तुम्हारे। बहुत दूर चली गई भाई लड़की तो।
और भाई जंगलों में अंधेरा बढ़ता जा रहा है, ऐसा ना हो कि बारिश आ जाए और हमें आज भीगना पड़े यहाँ पर। भीगने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये बहुत स्लिपरी हो जाएगा यार। नहीं बट मुझे तो मजा आ रहा है भाई। तो हम लोग अभी जा रहे हैं वैसे डंडस पीक, जो हमने बताया आपको, तो डंडस पीक भाई पहुंचना कैसे तो आते? डंडस पीक कंजर्वेशन एरिया हैमिल्टन के अंदर आता है, और इसमें आई थिंक इसका पास है $20 समथिंग। इसका है $16 विद वन कार एंड ड्राइवर, एंड देन ईच पैसेंजर $5। और हम लोग के पास तो मैजिक कार्ड है तो हम तो फ्री में आए हैं, बट दैट इसमें दो चीजें इंक्लूडेड है, ऑफ कोर्स डंडस पीक एंड देन ट्यूज फॉल। तो यहाँ पर वैसे भी डंडस पीक आने के लिए आपको ट्यूज फॉल आना पड़ता है, ट्यूज फॉल से ये ट्रैक स्टार्ट होता है। और पीछे हमारे एक बहुत भयंकर बहुत भयंकर डॉग आया है, दौड़ता हुआ ऐसे जगह शेर आ गया नहीं बट ही इज वेरी ओबीडिएंट दैट डॉग, उसने उसको विसल मारी थी अभी जाते वक्त आए थे। हाँ बट हमारे एकदम पीछे आ गया, देखो रुक जा लेट हिम गो। चल हम बस पहुंच गए भाई, हम भी ऐसे थोड़े रेजिडेंशियल एरिया दिख रहा है, यहाँ पर पहुंच गए। कुछ भी रेजिडेंशियल एरिया, पागल आ गए। रेजिडेंशियल एरिया तो ये सब लगा रखे हैं, झाड़ जुड़ा के, ये क्योंकि आप हाइट पे आ गए हो, अगर आप गिरे यहाँ से। दिस इज ट्यूज फॉल साइड ट्रेल, लेंथ इज 3.1 किलोमीटर। यो पहुंच गए ऑलमोस्ट है, ऑलमोस्ट के सामने। ओ नाइस, यहाँ से क्या नजारा है, पूरा का पूरा हैमिल्टन शहर दिखाई दे रहा है भाई यहाँ से तो। और ये यहाँ की जियोलॉजी डंडस पीक की, ईगल को देखो, और ये क्या जबरदस्त नजारा है यहाँ से, वाह लेट्स, क्या सुंदर नजारा है, बहुत ही अमेजिंग है, है? बहुत अच्छा है। और ये फॉल में कितना जबरदस्त दिखाई देगा। हाँ यार हमने मिस कर रहा है, हमें आना चाहिए फॉल में जी। ये रहा पूरा का पूरा नजारा टिंडा स्पीक से, देखिए कितना जबरदस्त व्यू है, और रेड्स यहाँ पर अपनी अतरंगी की फोटो खींचने की कोशिश कर रही है, बट व्यूज देखो आप। मजेदार। हाँ भाई रेड्स, इस व्यू के बाद क्या कहना चाहोगे तुम, कैसा लगा? बहुत ही अच्छा है, मैं तो और फॉल में भी आऊंगी भैया यहाँ पे, है ना? मस्त, मजा आया, बहुत ही अच्छा, मतलब खड़े हो सकती हूँ मैं यहाँ पे बहुत देर। बढ़िया हवा चल रही है और मजा आ रहा है, झरना भी दिख रहा है, नदी भी दिख रही है, रोड भी दिख रहा है, ट्रेल, और वैसे ही ग्रीन ग्रीन कलर जरा फेवरेट है। यस क्यों, यस तो चले फिर अब यहाँ से वापस। यस हिटो। हाँ जी, तो अब चल रहे हैं हम लोग यहाँ से वापस। ये वन वे रूट था, बहुत सारे लोग तो खैर इसी से वापस आ रहे थे, लेकिन हम लोग जो है ये सामने वाले से वापस जाएंगे। हम लंबे वाले से, हम यहाँ से आए थे और यहाँ से वापस जाएंगे। यो क्यों, दैट्स दैट्स वाज इट वर्थ इट? यस इट वाज। चलो फिर भाई, कोई यहाँ खो जाता होगा, यहाँ से भी रास्ता जा रहा है, वो डंडस जा रहा है, रास्ता जा रहा है, जा रहा है, तो यहाँ लोगों ने लिख दिया पेन से रिटर्न टू पार्किंग लॉट, और ये जा रहा है डंडस, और नीचे जो एस्कार्पमेंट है, और ये है ग्लेन फर्ग्यूसन साइड ट्रेल विच इज 910 मीटर्स, ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर की है। चल देखिए सामने क्या बढ़िया व्यू है, एकदम जंगल हरा घिरा हुआ और रास्ते में थोड़ी सी ट्रेल। तो भाई जंगल से थोड़ी सी भी चरमराहट की आवाज आ रही है, तो रेड्स की हालत टाइट हो जा रही है, है रेड्स? हाँ बट अभी हम जहाँ से जा रहे हैं थोड़ा सा लंबा है, एकदम शांत, मजा आ रहा है, हवा ही हवा है बस। और ये देखो मजेदार व्यूज। तो भैया चीड़ देवदार के पेड़ मिल गए हमको यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत सारी फोटोग्राफी कर ली है, अब वापस चलते नीचे को। वो देखो तो आगे पहुँच भी गई है, थक गई है बहुत ज़्यादा, राइट्स थक गई है क्या तू, है?
बस चल रहे हैं नीचे। तो भैया वापस वहाँ से हम पूरा घूम के जो आए हैं, अब ये आगे इंटरसेक्शन आ गया, ये पूरा वन वे ऐसे घूम के और ऐसे हम आ गए। तो इस इंटरसेक्शन से हम जाएंगे नीचे पार्किंग लॉट में। तो चलो लेट्स गो। तो जी सीढ़ियाँ आ गई वापस, और इसका मतलब कि हम लोग वापस आ चुके हैं। इट वॉज फन हर एक्स। यस। और ये देखो प्रकृति नजारे लेते हुए। बैठ जाऊं क्या थोड़ी देर? रिमेम्बर जब हम लास्ट टाइम आए थे इसमें कितना पानी था? हाँ। जैसे तू बोल रही थी यो। तो इसकी वजह से फॉल कितना कम हो गया है, और अभी है ही नहीं पानी इस पे। गर्मी इतनी हो रही, सूख गया है, जबकि बारिश इतनी हो रही है हैमिल्टन में। पता नहीं यार नेचर ना क्या जा रही है? मानेगी सीरियसली इतना? तो चलो फिर, इतना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो गई है ना। तो देखो इसको ऐसे ऐसे खींच के लाना पड़ रहा है मुझे, जहां जहां चढ़ाया ये वहां वहां मैं इसको ऐसे खींच के लाया हूँ, ऐसे ऐसा आगे बढ़ाया मैंने इसको आगे। बट नीचे बजरी है तो इसलिए थोड़ी दिक्कत चलने में, बट पहुंच गए हम लोग। अब ले भाई चढ़ गई ऊपर, आ गया मेन गेट जहां आपको अपना पास या फिर टिकट दिखाना पड़ता है, लेना पड़ता है। और यहां से है जी पार्किंग, ये एक होटल छोटी सी नीचे जाती है, नीचे जाती है। और ये रहा पार्किंग का नजारा, लेट जा घास में, लेट जा रेट्स। हाँ टिक्स ले जाऊँ ना अपने साथ। हाँ जी, तो ट्रैक करके आ चुके हैं, बहुत थक गए हैं, और अब एक सवा घंटा लग गया हमको पूरा ट्रैक कंप्लीट करने में। तो उसमें तो हमने आधा घंटा तो फोटो खींची है, वीडियो बनाए हैं। इट वाज वेरी गुड, सो वी विल कम बैक इन फॉल। इन फॉल बट मजेदार है, अच्छा लगा एकदम, मजा आया। तो यू शुड कम, पास में ये छोटा सा ट्रैक है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, और जो बिगिनर्स है वो आराम से कर सकते हो। बढ़िया। तो चलो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।